पार्ट है, उसमें मेन बात है आपको सबको समझ में तो आ रहा है ना भाई साहब। मैं तो मैंने कोई प्रोफेशनल प्रशिक्षण दाता तो नहीं, ये तो डी साहब की और डिप्टी साहब की और साहब की कृपा है। भारत आ रहा है और तो भी हो रहा है, इसी प्रकार इंजॉय करिए, उन लोग भाव से अपने प्रशिक्षण दीजिए। और अगर को किसी के मन में कोई शंका है तो बाद में पूछ सकता है किसी भी विषय में प्रशिक्षण के दौरान, यानी कि जाते से पूछ ली वो बाहर निकले तो बाहर पैसा कर मैंने ये नहीं का बेटर है ये तो इतना क्वेश्चन तो मैं दे नहीं सकता ना आपको। फैमिली डिटेल आनी बात, फैमिली डिटेल आपकी ओके है जैसे मैंने बताया था, रिपीट कर रहे हो, फैमिली डिटेल ओके तो नॉमिनी डिटेल ओके। फैमिली डिटेल मैंने आपने अकाउंट नंबर की जानकारी नहीं दी या कुछ छोड़ दिया तो ये नहीं पकड़ा, पूछो क्यों, क्योंकि ये जो आपने फैमिली डिटेल में जितने सदस्य दिए वो आप नॉमिनी के ऑप्शन में वो दिखने लग जाएंगे। आपको क्लिक करना कि नॉमिनी किसको बनाना वो परसेंटेज बता रहा है। निवेदन करता हूँ इस प्रक्रिया को, इस गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, ये यहाँ नॉमिनी डिटेल आएगी, ये महत्वपूर्ण पार्ट है इसी से। इधर मैं एक और चीज बताता हूँ नॉमिनी डिटेल के फायदे, हेमंत जी थोड़ा सा रोकने की कृपा करें। देखो नॉमिनी के फायदे, नॉमिनी डिटेल अपडेट है आपकी, गौर से सुनना बहुत अच्छी बात होता है। नॉमिनी डिटेल अपडेट और जैसे कि मान लो किसी भी कुछ हो गया तो ना परिवार वाले कोई परेशान की मैंने आईएफएमएस में अपडेट है तो आपका सारे काम ऑटोमेटिक होगा, इसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉमिनी है अपडेट नहीं हो आप सभी लोगों के भरोसे तो आपका सारी चीज रुक जाएगी, इसलिए ये अपडेट करो। अब इसके रूल है नॉमिनी टाइप सिलेक्ट नॉमिनल, ये अलग अलग हो, इसमें क्या आएगा एक तो फैमिली पेंशन है, एपीएफ है, जीपीएफ डीपीएफ है जिसका ग्रेजुटी है, और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, लाइफ टाइम एरियर है, और एनपीएस। इसमें क्या फैमिली पेंशन जीपीएफ वालों के लिए है, एनपीएस वालों के लिए नहीं, फिर भी अगर ये खोलने दें और रिक्वेस्ट करने दें तो कर दीजिए, क्योंकि संभवतः 2024 तक एनपीएस कर्मचारियों को भी पेंशन की पात्रता आ जाएगी, ऐसा उड़ती उड़ती खबरें आ गई 2024 तक एनपीएस बंद हो जाएगा, जीपीएफ में मर्ज हो जाएगा। तो अगर ये अभी करने दे तो कर दो, और नहीं करते दे तो मत करो, आगे कर लेना। दूसरा फैमिली पेंशन के बाद एपीएफ, एपीएफ में तो 1985 से पहले जो भी की बीमा योजना है शायद किन को जानकारी है, आपको नहीं। उसके बाद जीआईएस चालू हुई थी और 2003 से ईआईएस चालू हुई थी, तो इसमें क्या है कि ईआईएस और जीआईएस दोनों मिक्स है, और आप इसमें एपीएफ और जीआईएस, एपीएफ और जीआईएस में से एक करेंगे ऑटोमेटिक दूसरी हो जाएगी बीमा योजना है, तो इसमें आप दोनों में से कोई भी कर लें और दूसरी के करने की कोशिश करें वो खुद ही जाएगा, आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये आप एक चीज बता रहे हो उसमें, जैसे कि कोई भी ये सारे मॉड्यूल एक जैसे हैं, अलग अलग नॉमिनी बनाना, जैसे कि अपन ने फैमिली पेंशन करी, फैमिली पेंशन में ये जैसे आप देखिए अपन ने कुछ भी करा इनका, ये यहाँ पे जो नेम है फैमिली ये बोला कौन से मॉड्यूल है, इसमें भी वही कोई चीज नहीं, आपको एक रूम रिक्वेस्ट में अगर कोई पेंडिंग पड़ी है तो वो भी देख लो, डबल रिक्वेस्ट हो जाएगी। अब इसमें अप्रूव रिक्वेस्ट में जैसे कि इनकी इनकी अप्रूवल हो चुकी है, जब अप्रूव रिक्वेस्ट का बार बार कह रहा हूँ ऐसी आई है, इसमें क्या है कोई भी आप मॉड्यूल में जाएंगे तो अप्रूव अगर रिक्वेस्ट में जाएंगे तो आपकी पहले से कोई रिक्वेस्ट पड़ी है तो इस तरह क्या है, जैसे कि जैसे साहब की मैडम की अपन ने नॉमिनी बनाया तो 100% शेयर दिया सभी योजनाओं में, तो यहाँ आ गया, अब आप इस पर एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, पर ये एक रिक्वेस्ट के टाइप में आपको भेजनी पड़ेगी। ये तो एक रिक्वेस्ट में दो तीन बार चर्चा की इस तरह क्या है, और इसमें आपने जैसे नेम में उनके नाम भूल जाएंगे आपके परिवार के सदस्यों के, उसमें जिनको आप लेना चाहो मम्मी पापा बीवी बच्चे या और किसी को लेना चाहो, तो जो आपकी फैमिली डिटेल में वही आपने को यहाँ दिखेंगे, उसमें आप कितना परसेंट शेयर देना चाहते हैं शेयर में दिख जाएगा, शेयर कितना परसेंट, बाकी जो जानकारी देखो आप अकाउंट नंबर की जानकारी भी आ गई ऑटोमेटिक, एड्रेस भी आ गई, क्यों आई, ये फैमिली डिटेल में अपडेट है, सिर्फ आपको ना सिलेक्ट करना है, आपने एक बार कर ली तो ये पूरी ऑटोमेटिक आ गई, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें ये जो इस वाले उसमें जो नीचे करना है इसमें क्या है कि ऊपर का जो नॉमिनी है उसकी मृत्यु हो जाए किसी भी कारणवश तो क्या करना है, तो यहाँ लिखना है डेथ
मृत्यु की स्थिति में, और सेकंड नॉमिनी बनाना पड़ता है ये शासन के निर्देश। जैसे कि किसी ने नॉमिनी बनाया और उसकी उसकी माने किसी भी स्थिति में सेकंड नॉमिनी कौन है, तो आप उसी को उनमें से परिवार के सदस्य भी जानकारी दे दो, तो ब्रदर है मदर है कोई भी है, तो सेकंड नॉमिनी भी अनिवार्य है। इसके संबंध में आप ये एड्रेस डिटेल में भी आप सिटी विलेज और अदर में क्लिक करेंगे पूरा फील्ड आ जाएगी, इसको फिलअप करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट आप कोई भी लगा सकते हैं नॉमिनी के संबंध में, उनका कोई भी प्रूफ, और इसको आप एड करें। एड करने से क्या होगा कि वो रिक्वेस्ट आपकी उसी फील्ड में बढ़ी रहेगी, ये सारी इंसान चाहिए नॉमिनी की जरूरत। इसमें एक और नई चीज उन्होंने खोली है आईएफएमएस वालों ने, लाइफ टाइम एरियर, वो एक और फील्ड है, 5 साल फील्ड है उसमें, आपका फैमिली पेंशन, एपीएफ, जीआईएस, और इसके बाद ग्रेजुएटी, जीपीएफ, एपीएस, और एक और नई चीज खोली है लाइफ टाइम एरियर। ये एक तो दिक्कत आती थी, जैसे कोई भी शासकीय कर्मचारी अभी तो है, पेंशन भी हो गई, पेंशन हो गई, वो पेंशन ले रहा है, जिसके बाद उनकी किसी भी कारण से एक उम्र पूरी होने के बाद मृत्यु हो ही जाती, अब उनका 20 साल बाद कोई एरियर आया, तो एक ये सुविधा थी लाइफ टाइम एरियर मेरे बाद किसको दो, ये एक एक तरह का कोर्ट का विषय बनता है कि मान लो 5-10 लाख को 18-20 लाख को एरियर बन रहे, तो वो कोर्ट में जाता सक्सेशन, तो यहीं से सिलेक्ट हो, आप अगर पहले से करके रखेंगे तो आपको परिवार वालों को दिक्कत नहीं आएगी, ये लाइफ टाइम एरियर नया है। दूसरा मैं बता दूँ एनपीएस कर्मचारी, आखिरी वाला जो एनपीएस है, इसको सिर्फ एनपीएस कर्मचारी ध्यान से सुने, इसमें बहुत तो टेक्निकल चीज बताया होगा आपको। एनपीएस दिख रहा है आपको, एनपीएस कर्मचारी को ये ध्यान रखना है कि नॉमिनी अगर आपने जैसे कि जो आप इससे जब आपकी नियुक्ति हुई थी और आपसे प्राण नंबर भरवाए थे सर्विस बुक के समय, आपने उस समय जो नाम एस वर्ग में जो नॉमिनी बनाए थे और वही सेवा विलेख में वही एस वर्ग में उसी को आप करना चाहते हैं, तो वो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लो आप उनको बदलना चाहते हैं, जैसे कुछ महिलाएं की शादी बाद में हो गई है नौकरी बाद, अब उनने उस समय तो एनपीएस में प्राण में मम्मी पापा को बनाया, अब वो अपने पति अपने बच्चों को बनाना चाहती है, प्रैक्टिकली बताइए, तो वो थोड़ा सा ध्यान दें, ये कब करना है आपने, वो ये कर लो आप एनपीएस का जो आप चेंज करना चाहते हैं वो कर लो, रिक्वेस्ट वही है पुराने देख लो, अगर हो तो उसमें चेंज कर लो, नहीं तो नया बना लो। एनपीएस कर्मचारियों के लिए विशेष बात, अगर आप यहाँ करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट तभी अप्रूव होगी, कब होगी, जब आप एक फॉर्म आता है एनएसडीएल का एस टू फॉर्म आता है, एनपीएस एस टू फॉर्म, गूगल पे अगर आप एनपीएस एस टू लिखेंगे तो उस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि आप अगर आप एनपीएस कर्मचारी अगर नॉमिनी चेंज कर रहे हैं नॉमिनी चेंज कर रहे हैं तो वहां होनी चाहिए, या आपने सिस्टम में हमने कर ली पर आपके ब्रांड नंबर में तो ही नहीं, आपका पुराना चल रहा है। अब इसमें क्या है कि आपको इसमें एनएसडीएल ने बहुत सारी सुविधा दी, क्या आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सरनेम वाली बात आई, आपका वो वाला काम हो जाएगा तो उसके बाद ये करना आपको, क्योंकि आपके उसमें ब्रांड नंबर में भी वही है, तो आप ये पर्सनल डिटेल भी चेंज कर सकते हैं, जो करना हो उसमें उन्हीं की सारी करनी, जो आपकी रिक्वेस्ट है जिसमें आपको करना है, जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल करना हो, मेरे को नॉमिनी करना, तो मैं नॉमिनी वाले कागज में भरूंगा, आप पर्सनल में करेंगे, आप ये कर सकते हैं। बैंक अगर एड्रेस भी माने बैंक नंबर भी चेंज करना है अकाउंट का, तो वो कर सकते हैं, ये नॉमिनी डिटेल, तो आपने अगर इसमें चेंज करना चाहते हो कोई करेक्शन के लिए, तो आप इसमें चेंज करके और इसको ब्लैक पेन से भरना, जैसे हमने शुरू में भरवाया था आपको ब्लैक पेन से, और इसकी पूरी प्रक्रिया करके और एक प्रति आपके पास रखें और इसको भेजें, या सिग्नेचर डेट लिख के, या पूरी प्रणाली जो भी आप इतने समझदार हैं एनपीएस कर्मचारी, इसको भेजें काम कार्यालय में उस रिक्वेस्ट के साथ कि हमने आईएफएमएस में भी ये रिक्वेस्ट चेंज करी है, और जिसके बाद ये आपको एनपीएस में एस टू इसलिए भेज रहे हैं, और पहले क्या था और आज क्या कर रहे हैं, ये कवरिंग पे थोड़ा सा लिखेंगे ना तो सरलता होगी, उसमें हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जाएगी कहाँ,
ये देखो आप ऊपर ऊपर में बता दूं, ये फर्स्ट में ये लिखा है फॉर डीडीओ यूज, डीडीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज। इसमें क्या है कि या डीडीओ सिग्नेचर करेगा आपको वेरीफाई करने के बाद, और जिसके बाद ये पीएओ यानी कि ये कौशल्य, ये वाली रिक्वेस्ट आपकी हार्ड कॉपी जाएगी कहां, कौशल्य में, कौशल्य भेजेगा एनएसडीएल को, फिर आपका जो एनपीएस है एनपीएस के रिकॉर्ड में चेंज हो जाएगा। यानी कि एनपीएस कर्मचारी अगर कोई नॉमिनी में पूर्व में जो है यथावत करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कोई चेंज करना चाहते हो तो एस टू उस रिक्वेस्ट के साथ अनिवार्य है, तो इसके साथ आपका दोनों काम होंगे। अब विपिन दुबे जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, नहीं पूछ रहे?